क्या आपने अभी अभी अपनी SMP में लॉग इन किया और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है? क्या आप बॉर्नविटा पीने के बाद भी मर रहे हो? Here we go again. तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक गाइड जिसमें आप सीखोगे। अबे तो फिर आ गया वॉइस ओवर करने। तेरा काम है स्क्रिप्ट लिखने का यार। मैं करता हूँ वॉइस ओवर, तू जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ माँ। हाँ हाँ ठीक है, तू जा। मैं यार जा रहा हूँ। तो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन एनी SMP। ये गाइड आप किसी भी SMP में ट्राई कर सकते हो और ये हमेशा चलने वाला है। तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको हर एक चीज में मास्टर होना है, चाहे वो पोशन हो, चाहे वो गेटिंग स्टैक्ड अप हो या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी हो। वॉच टिल द एंड और मैं अप्रिशिएट करूंगा आपका एक लाइक। तो एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले आपको लेना होगा थोड़ा सा वुड, एंड थोड़े से मेरा मतलब है 5 लॉग्स। 5 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि 5 से आप टूल्स बना सकते हो। अब जब आपके पास 5 लॉग्स आ जाएंगे, आपको उनको डालना है क्राफ्टिंग टेबल में और फिर बनाना है एक नॉर्मल वुडन पिकैक्स। हाँ, वुडन पिकैक्स से आप 3 स्टोन माइन कर लो, सिर्फ 3, एंड फिर बना लो एक स्टोन पिकैक्स। अब आपको थोड़ा सा स्टोन माइन करना पड़ेगा। इतनी इंटेंस माइनिंग के बाद आपको क्राफ्टिंग बेंच में जाके अपने लिए एक फर्नेस बना लेना है और एक एक्स बना लेना है। ये काफी सारी चीजें मेन है। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप एक स्वॉर्ड, हो और शवल भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक्स है तो आपको स्वॉर्ड की इतनी नीड नहीं होने वाली। अब इतने सारी चीजें करने के बाद आपका हंगर भी डाउन होगा, तो आपको कुछ नॉर्मल एनिमल्स को मारना पड़ेगा। अब आपको फिर एक विलेज ढूंढना पड़ेगा। ये पार्ट आपके रन के लिए काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होने वाला है। विलेज ढूंढने के बाद आपको सारा का सारा उधर से हेबेल ले लेना है। जितना हेबेल लोगे उतना आपको प्रॉफिट होने वाला है। फिर आपको एक विलेजर को पकड़ लेना है और उसको अपने सारा वीट बेच देना है। वीट बेचने के बाद आपको एमरल्ड्स मिलेंगे एंड उससे आपको लेने हैं बहुत सारे ब्रेड। उससे आपको खाने भी मिल जाएगा और साथ साथ में बहुत सारे लेवल्स मिलने वाले हैं आपको। अब टाइम आ गया था आपके ये गरीब से आर्मर को रिप्लेस करने का कुछ शाइनी चीजों से। तो मैं सीधा चला गया नीचे आयन माइन करने और आपको भी यही करना है। आपको अपने लिए अप्रोक्सीमेटली 30-40 के आसपास आयन ओर्स माइन करके स्मेल्ट कर लेने हैं जल्दी से। उसके बाद आपको फुल आयन आर्मर बनाना, जिसमें आता है एक हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स और बूट्स, जिसको मैंने पता नहीं क्यों हेलमेट बना दिया था पहले। एंड फिर जब आप ये पहन लोगे आपको फीलिंग आएगी अंबानी वाली। एंड अंबानी वाले को और अंबानी बनाने के लिए मैं चला गया नीचे सीधा डायमंड्स माइन करने। और आपको भी कुछ ऐसे ही करना है, अपने लिए 5 डायमंड माइन करना है और वापस ऊपर जा जाना है। ऊपर आने के बाद आपको सिर्फ एक डायमंड पिकैक्स बनाना है और 2 डायमंड आपको किसी स्पेशल चीज के लिए रखने पड़ेंगे। नीचे वापस जाना है आपको लावा के लिए और लावा को ऑब्सीडियन बना के आपको कुल मिला के 14 ऑब्सीडियन वापस ऊपर ले आना है। अब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा शाइनी बनने वाले हो एंड उससे मतलब आपको बनाने पड़ेगी एक एन्चेंटिंग टेबल, जिसके लिए आपको बुकशेल्फ्स चाहिए रहेंगे, जिसके लिए आपको लेदर और शुगर केन चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ तुम्हारे काउस एंड शुगर केन लेने चला गया। ये सब लेने के लिए आपको इधर उधर एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड आपको फाइनली ये सब मिल जाएगा। जब आपको इतना सब मिल जाएगा आपको सीधा बना लेने 15 बुकशेल्फ्स और जाके उनको एक सेफ एरिया में प्लेस कर देने जहाँ पे कोई और SMP मेंबर आएगा नहीं। मेरे हिसाब से मैंने एक विलेज के पास में ही किया था क्योंकि मैं विलेज में ही रहने वाला हूँ विलेजर्स के लिए। फिर यहाँ पे मैंने सारे बुकशेल्फ्स प्लेस कर दिए और कुछ ऐसा सा सेटअप बना दिया। माइनिंग से जो मुझे लैपिस मिला था मैंने उसको अंदर डाल दिया और अपने पिकैक्स को एन्चेंट करना चालू कर दिया। और जब मुझे रियलाइज हुआ ओह वाह मेरे पास लेवल्स ही नहीं है, तो मैं नेदर में झट से गया एक पोर्टल बना के और सीधा मरने लगा क्वार्ट्ज की माइनिंग। इससे आपको बहुत सारे लेवल्स मिल जाते हैं और आपको बहुत सारे लेवल्स ग्राइंड भी करने हैं इसके लिए। एंड ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैंने देखा मेरी टेबल अभी भी उधर है, थैंक गॉड किसी ने ली नहीं थी। एंड मैंने उस पर कर ली Efficiency 4 और Unbreaking 3 एनचैंट, जो कि काफ़ी अच्छी एनचैंट है लेकिन हम लोग को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने झट से कर दी एक Fortune 3, जिसकी हम लोग को मेनली ज़रूरत थी। गया मैं केव्स में माइनिंग करने और बहुत सारे डायमंड्स ढूंढ लाया। ऊपर आने के बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा टूल्स बना और आर्मर बना लिया, जिसको मैं एन्चेंट करने के लिए काफी रेडी था क्योंकि मैं उस लैपिस था। बट देन मुझे XP की नीड और थी, तो मैं सीधा चला गया नेदर में XP लेने। नेदर से वापस आने के बाद मैंने अपने सारे एन्चेंट्स लगा दिए जितने मुझे मिल सकते थे। मुझे हेलमेट में मिला Prot 4, चेस्ट प्लेट में भी मिला Prot 4, लेगिंग्स में भी मिला Prot 4 और बूट्स पे कुछ ट्राइज के बाद मुझे Prot 4 मिल गया। एंड Prot 4 आपका मेनली एन्चेंट होना चाहिए, जो कि आपको एम करना चाहिए। Prot 4 के साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डेथ स्ट्राइडर, अनब्रेकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे थॉर्न्स, लेकिन थॉर्न्स इतना अच्छा एन्चेंट नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप उनको अवॉइड करो। इतने अच्छे आर्मर को फ्लेक्स करने के लिए मैं चला गया अपने ब्लेज फ्रेंड्स के पास और उनको दिखा दिया उनकी जगह।
ब्लेज रॉड्स और नेदर वॉर्ड लेने के बाद मैं आ गया ओवरवर्ल्ड में और एक जल्दी से ब्रूइंग स्टैंड बना दिया, क्योंकि हमारे नेक्स्ट गोल था पोशंस। पोशंस के बिना लड़ाई में मजा नहीं रहता, और मैंने जल्दी से बनाए कुछ फायर रेजिस्टेंस के पोशन ऐसे। जिस तरीके से मैंने फायर रेजिस्टेंस के पोशन बनाया, मैंने उसी तरीके से अपने लिए स्ट्रेंथ 2 और स्पीड 2 बना लिए, क्योंकि ये तीनों मेन पोशंस हैं, आपको किसी भी फाइट के लिए ज़रूरी लगेंगे ही लगेंगे। फिर मैं नेदर में एक्सप्लोरिंग करने आ गया और मुझे बैशन में मिल गया अपने लिए नेदर हाइड, और ऐसे बहुत सारे बैशन लूटने के बाद मुझे मिल गए कुछ 7 नेदर हाइड, क्योंकि हम लोग को होना था ब्लैक, मेरा मतलब था नेदरराइट आर्मर बनाना। वो ब्लैक होता है ना यार, अरे मेरा मतलब है कुछ काला बनाना। शाले इतनी देर से देख रहा हूँ, क्या अनाप शनाप बके जा रहा। अरे पुलिस था हूँ मैं तो, यहाँ पे लेट्स प्ले वाली सीरीज बना रहा हूँ यार। अरे मेरा मतलब है गाइड बना रहा हूँ यार, हाउ टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। आप क्यों आ गए यहाँ यार? तेरे इतने गंदे जोक सुन के मुझे इतना क्वीन जुआ, इतना क्वीन जुआ, मुझे आना पड़ गया भाई। अच्छा तो जिस तरीके से आए हो वैसे ही चले जाओ, मेरा मतलब है मतलब आपके लिए भी अच्छा ही रहेगा, मैं भी वीडियो बना लेता हूँ बाकी की अपनी। वैसे ही मेरा कम समय बचा है, मेरे कानों में इतना दर्द भर गया, तूने 200 ला या अंदर जा। यार पुलिस तब आप तो सीधा पैसों पे आ जाते हो यार। ये मेरा कहना है कि ये पैसे वैसे छोड़ो, मैं आपको कुछ और दूंगा बाद में, ये वीडियो बन जाए। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा चलता हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा, मेरे विमल का जुबा पे सवार रखना। अरे बोलो जुबा केसरी। क्या पागल आदमी है, आपको फुल नेदरराइट हो जाना है, और इसके बाद बारी आती है विलेजर्स की, जिसमें आपको सबसे पहले एक फ्लेशर बनाना पड़ेगा, इससे सारी की सारी स्टिक्स ट्रेड कर लेनी होगी। ये करने के बाद आपको बहुत सारे एमरल्ड्स मिल जाएंगे, और आपको ये सिर्फ एक दिन नहीं, काफ़ी लगातार काफ़ी अलग विलेजर्स के साथ स्टिक्स ट्रेड करनी पड़ेगी एमरल्ड्स के लिए। फिर आपको बनाना पड़ेगा एक लेक्टर्न, जिससे आप बना सकते हो एक मेंडिंग वाला विलेजर। 100 से ज़्यादा बार लेक्टर्न तोड़ने के बाद आपको एक ट्रेड ऐसी मिलेगी जिसको आपको देख के विश्वास नहीं होगा। हाँ आपको मेंडिंग तो मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए एमरल्ड्स नहीं रहेंगे। और फाइनली आपको सारी मेंडिंग बुक्स जितनी आपको चाहिए होगी लेने के बाद, और अनब्रेकिंग 3 भी लेने के बाद, अब अपने सारी चीज़ें अपने आर्मर पे लगा के फुल्ली मैक्सड आउट हो सकते हो। जितने भी आपको लेवल्स मिलने वाले हैं आप यूज़ करके उनको अपने आर्मर पे सारी चीज़ें लगा सकते हो, और चाहो तो जो एन्चेंट मिस कर रहे हो वो आप बुक्स और लैपिस की मदद से अपने एन्चेंटिंग टेबल से निकाल सकते हो, और अपने स्वॉर्ड्स पिकैक्स और आर्मर पे वापस लगा सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो आता है एक एंड पे, और इसी के साथ साथ मैं होप कर रहा हूँ कि आपकी ग्राइंड भी आती है एक एंड पे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ A to Z कवर की है, चाहे वो पोशंस हो, खाना हो, या फिर आर्मर हो। अगर आपको गोल्डन एप्पल्स बनाने हैं तो जो आपको लूट मिलेगी बैशन से, जिस मेरा मतलब है गोल्ड ब्लॉक्स और एप्पल्स जो कि आप विलेजर से ले सकते हो, उसे आप गोल्डन एप्पल्स भी बना सकते हो वॉर के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।